आगरा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कॉपी बदलने के मामले में फरार छात्र नेता राहुल पारासर अभी तक गिरफ्त में नहीं आ सका है। एसटीएफ को मामले में छात्र नेता के साथ ही 40 से अधिक लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। इनमें एजेंट के साथ 20 कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। टीम अब एक एक करके सभी से पूछताछ करेगी, साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि बीएएमएस की कॉपियां बदलने का मामला जब सामने आया तो इधर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद जांच एसटीएफ को दे दी गई। एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक कॉपी बदलने वाला पूरा गैंग कार्य कर रहा था। इसमें छात्र नेता के अलावा विश्वविद्यालय से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी और एजेंसी के कर्मचारी शामिल थे। इस संबंध में एसटीएफ सबूत जुटा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का बीएमएस की कॉपी बदलने का मामला 27 अगस्त को सामने आया था। जब मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर एसटीएफ का गठन किया गया। एसटीएफ द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जांच की जा रही है। जांच के बाद अगर जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जिसमें 40 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, साक्ष्य के आधार पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दर्पण न्यूज से मैं आरफ मोहन शर्मा, कैमरामैन भानु के साथ। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।